के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जंगल कौड़िया ब्लॉक रसूलपुर चकिया में महंत अवैधनाथ राजकीय महाविद्यालय और महंत अवैधनाथ महाराज ग्रामीण स्टेडियम का किया शिलान्यास। मंडलायु तथा जीडी अध्यक्ष की अध्यक्षता में संपन्न हुई बोर्ड की बैठक, पत्रकारपुरम के 500 आवासों की स्वीकृति के साथ अन्य योजनाओं पर बनी सहमति। आतंकवाद विरोध दिवस पर पूर्वोत्तर रेलवे के जीएम राजीव अग्रवाल ने रेल अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दिलाई शपथ। निजी स्कूलों पर लगे शासन के फरमान को वापस लिए जाने की मांग को लेकर प्रबंधक संघ ने किया जेल भरो आंदोलन, पुलिस से हुई नोकझोंक, एसडीएम सदर के आश्वासन पर लौटे वापस। पूर्व प्रधानमंत्री को कांग्रेसियों ने दिया भावभीनी श्रद्धांजलि, मनाई 27वीं पुण्यतिथि। मानदेय में अनियमितता के आरोप को लेकर शिक्षा मित्रों ने वैश्विक शिक्षा कार्यालय परिसर में दिया धरना, सौंपा ज्ञापन। पेट्रोल पंप कर्मचारियों से हुई गुंडई, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, फुटेज के आधार पर पुलिस कार्रवाई में जुटी। मंगलवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे ऑल इंडिया पोस्टल एम्प्लॉयज ग्रामीण डाक सेवक, मंडलीय मंत्री ने दी जानकारी। आतंकवाद विरोधी दिवस पर विश्वविद्यालय के एनएसएस के छात्र छात्राओं को दिलाई गई शपथ। 7 सूत्रीय मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने किया नगर निगम पार्क परिसर में विरोध प्रदर्शन। जमीनी विवाद में गिरफ्तार ग्रामीणों की रिहाई के लिए परिजनों ने नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में किया विरोध प्रदर्शन। जिला महिला चिकित्सालय में नवजात शिशुओं के लिए पिछले 3 महीने से अपग्रेड के बाद संचालित हो रही है शिशु देखभाल इकाई, प्रमुख अधीक्षक जिला महिला चिकित्सालय ने दी जानकारी। और शिक्षा के आधार के तहत 497 बच्चों की निकाली गई लॉटरी, अब कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ेंगे ये गरीब बच्चे।